के लिए पाइप फिटिंग में जॉब करते थे रशिया के, महीने का 6000 रुपए कमाते थे। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। सो गाइस, माय नेम इज अविनाश, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अ ट्रैकर इनसाइट। सो जैसे कि आप सब लोगों ने थंबनेल देखा, मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि लेबर कैटेगरी कितना कमाती है रशिया के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जब मैं फर्स्ट टाइम रशिया गया था तो वहाँ पर मेरी एक पर्सन से बात हुई थी जो बेसिकली पाइप फिटिंग में जॉब करते थे रशिया के अंदर काफ़ी लंबे टाइम से। तो टाइम बात करूँ तो जब उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी कि रशिया के अंदर जो लेबर कैटेगरी होती है काफ़ी कम लोग होते हैं जो लेबर कैटेगरी में जॉब करना पसंद करते हैं, क्योंकि बेसिकली वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उन्हें लेबर कैटेगरी में जॉब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसके साथ साथ जब वो पाइप फिटिंग का काम करते थे तो वो आराम से महीने का 6000 रुपए कमाते थे। उसके अलावा जो उनका ट्रैवलिंग का खर्चा होता है या फिर जो एकोमोडेशन का खर्चा होता है, फिर जो फूड का खर्चा होता है, वो पूरा कंपनी बेयर करती है। सो गाइस, जिनको भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो जाके बाहर आराम से काम कर सकते हैं। और उसके अलावा इसमें कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी जो मिनिमम एजुकेशन है एटलीस्ट 10th से 12th आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और इंग्लिश आपको आनी चाहिए, क्योंकि वो भी हिंदी में बात करता ही नहीं है वहाँ पर, इंग्लिश में भी थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं काम चलाओ, और मोस्ट ऑफ द थिंग जो होती है वो रशियन में ही होती है। रशिया के अंदर आप कोई भी काम करो, लेबर कैटेगरी का करो या फिर ड्राइवरी का काम करो या फिर कोई आईटी प्रोफेशनल रहो या कोई कंपनी के सीईओ बन जाओ या फिर कोई भी बड़े से बड़ा काम हो, छोटे छोटा काम हो, सब में रशियन लैंग्वेज में जाना बहुत ही जरूरी है, तभी आप वहाँ पर जाके काम कर पाओगे, अच्छे से लोगों से बातचीत कर पाओगे और वहाँ के मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाओगे। अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं करते हो तो काफ़ी मुश्किल रहेगा, काफ़ी डिफिकल्टीज आएगी इन द स्टार्टिंग, लेकिन जैसे जैसे आपको टाइम बीतेगा आराम से 6 से 7 महीने 1 साल हो जाएगा तो आप अपने काम में ढल जाओगे, उसके बाद आप रशियन लैंग्वेज भी सीख जाओगे। और उसके साथ साथ ये तो हो गई जब मैं फर्स्ट टाइम गया था रशिया, मेरा जो भी एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर किया। उसके बाद जब मैं लास्ट टाइम भी रशिया गया था, जो ऑलमोस्ट मैं 3 से 4 महीने रशिया में रह के आया था, तो वहाँ पर भी मेरी काफ़ी इंडियन से बातचीत हुई थी और लोगों ने मुझे यही बताया था कि इंडिया में जो भी लोग काम करते हैं वो इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू रशिया। और रशिया में क्या होता है कि अगर आप देखोगे एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि जब मैंने ट्रेन में सफ़र किया था, मैं कज़ान से शायद मॉस्को जा रहा था, मॉस्को से कज़ान जा रहा था, तो उस टाइम जो टीटी थी वो फीमेल थी और वो काफ़ी ओल्ड थी। तो वहाँ पर क्या सिस्टम है कि वहाँ पर अगर कोई बोगी का कोई टीटी है तो वही पूरी बोगी का टेक केयर करता है, जैसे कि टॉयलेट क्लीन करना हो गया, बेडशीट चेंज करना हो गया, बेडशीट साफ करना हो गया, इधर सारी चीज़ें उसे ही देखनी होती है। और इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता है, इंडिया के अंदर क्लीनिंग स्टाफ अलग होता है, उसका आगे बेडशीट या फिर लॉन्ड्री का स्टाफ अलग होता है, यहाँ पर सिर्फ जो टीटी का काम होता है टिकट्स आके चेक कर देना। सो गाइस, वहाँ पर ये जो नॉर्मल काम है जैसे हेल्परी का काम हो गया, फैक्ट्रीज के अंदर काम हो गया, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ टेलर का काम काफ़ी अच्छा है, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें पार्ट टाइम जॉब करनी है, तो गाइस वैसे काफ़ी अच्छी वेबसाइट है अभी तो .edu करके, आप जाकर उसको जरूर चेकआउट कीजिए, उसमें नंबर भी आ जाता है, उस पर्सन का शो हो जाएगा नंबर जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा, तो उससे बातचीत कीजिए और फिर उसके बाद वहाँ पर जाके आप आराम से काम कर सकते हो। और उसके अलावा एक और मेरा सजेशन रहेगा, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं जिनके भी रिलेटिव या फ्रेंड्स अगर रशिया के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर वो उस पर्टिकुलर काम के अंदर आपको अपना रेफरेंस शेयर करते हैं तो आपको काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि आपको जॉब मिल जाती है। क्योंकि वहाँ पर सबसे जो मेन चीज़ देखी जाती है ना वो यही देखी जाती है कि आपको रशियन लैंग्वेज आती है नहीं आती, लेकिन आपको कोई भी फ्रेंड वहाँ पर जॉब कर रहा होगा उसे भी थोड़ी बहुत रशियन आती होगी, अगर पूरी रशियन आती होगी तो बहुत ही अच्छा, अगर उसको थोड़ी बहुत आती होगी तो आपको रिकमेंड कर देगा, तो वहाँ पर उसके भी यहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। क्योंकि रशिया में ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि अगर बाहर के लोग जो भी काम करते हैं कोई भी कंट्री से, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, तो वो किसी भी पर्सन को रेफ़र करते हैं अपने बिहाफ पे, तो उसको जॉब काफ़ी जल्दी मिल जाती है। और उसके अलावा आप डिफरेंट सेक्टर्स एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और काफ़ी अच्छी सैलरी है एज़ कम्पेयर टू जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, इन सबसे काफ़ी अच्छी सैलरीज है। और आने वाले टाइम के अंदर मैं और भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि आप वहाँ पर जाके रेंट पे कैसे रह सकते हो, रेंट के लिए क्या ऑप्शंस होते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना रहता है, तो आप नीचे दिए गए इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो, अभी ट्रैकर मेरा यूज़र नेम है, वहाँ पर आप जाके प्लीज़ मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ कोई भी क्वेश्चन आपका रहता है तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो, और आपका क्वेश्चन मुझे वाजिब लगा और उस पर लगा कि आने वाले टाइम के अंदर कोई वीडियो होना चाहिए, तो फॉर श्योर आई विल मेक द वीडियो एंड हेल्प यू आउट। सो गाइस, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले टाइम के अंदर आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।